हमारे लिए आज की तलावत यशुआ की किताब उसका 24 बाब उसकी पहली 13 आयात। और यशुआ ने इसराइल के सब कबीलों को शकीम में जमा किया और बनी इसराइल के बुजुर्गों और रईसों और काजियों और मनसबदारों को बुलाया और वो खुदावंद के सामने हाजिर हुए। तब यशुआ ने सब लोगों से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा तारा इब्राहिम का बाप और नाहूर का बाप कदीम ज़माने में दरिया के पार रहते थे और गैर माबूदों की बंदगी करते थे, और मैंने तुम्हारे बाप इब्राहिम को दरिया के पार से लिया और कनान के तमाम मुल्क में उसके हमरा रहा और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसे इसहाक अनायत किया और इसहाक को याकूब और ईसु अनायत किए और ईसु को कोए सैर दिया कि उसका मालिक हो, और याकूब और उसके बेटे मिस्र को उतर गए। और जब वो एक बड़ी और ताकतवर और कसीरुल तादाद कौम बने और मिस्री उन पर सख्ती करने लगे, तब मैंने मूसा और हारून को भेजा और मैंने उन कामों से जो मैंने वहाँ किए मिस्र को मारा, और उसके बाद मैंने तुम्हें निकाला। तो मैं तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकाल लाया और तुम समंदर पर आए तो मिस्रियों ने गाड़ियों और घोड़ों से तुम्हारे बाप दादा का बहरे कुलजम तक पीछा किया और वो खुदावंद के पास चिल्लाए, तो उसने उनके और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया। फिर उसने समंदर को उन पर उल्टा दिया तो उसने उन्हें ढांप लिया, और जो कुछ मैंने मिस्र में किया तुम्हारी आँखों ने देखा, और तुम बियाबान में बहुत दिनों तक रहे, और मैं तुम्हें अमूरियों के मुल्क में जो उर्दन के पार रहते थे ले आया। तब उन्होंने तुमसे लड़ाई की और मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दिया और तुम उनके मुल्क के मालिक हुए, और मैंने उन्हें तुम्हारे सामने से नाबूद कर दिया। तब मोआब का बादशाह बलाक बिन सफूर उठा और इसराइल से लड़ा, और उसने बलाम बिन बूर को बुला भेजा कि तुम पर लानत करे। मैंने ना चाहा कि बलाम की सुनूं, इसलिए उसने तुम्हें बरकत दी और मैंने तुम्हें उसके हाथ से छुड़ाया। तब तुम उर्दन के पार उतरे और यरहू पर पहुँचे, तो यरहू के बाशिंदों और अमूरियों और फिरजियों और कनानियों और हितियों और जरजाशियों और हिवियों और याबूसियों ने तुमसे लड़ाई की, तो मैंने उन्हें तुम्हारे हाथों में दे दिया, और मैंने तुम्हारे आगे जंबूरों को भेजा, और मैंने तुम्हारे सामने से अमूरियों के दो बादशाहों को निकाल दिया, ना तुम्हारी तलवार ने और ना तुम्हारी कमान ने, और मैंने तुम्हें मुल्क अता किया जिसमें तुमने मेहनत ना की थी, और ऐसे शहर जिन्हें तुमने नहीं बनाया था तो तुम उनमें बसते हो, ताकिस्तान और अंगूर जो तुमने ना लगाए तुम खाते हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।